नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात के कच्छ से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही समंदर में खलबली मची हुई है। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्रियों को निगरानी के लिए अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंद्रह जून गुजरात के लिए कयामत का दिन होगा। विकराल हो रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाने के लिए बेताब है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय फिलहाल 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के बुधवार सुबह 8:30 बजे के अपडेट के मुताबिक तूफान बुधवार सुबह द्वारका से 290 किलोमीटर और जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर दूर था, जो 15 जून को दोपहर के वक्त गुजरात के कच्छ से टकराएगा। लेकिन उससे पहले ही समंदर में खलबली मची हुई है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। गुजरात के कई इलाकों में तूफान की एंट्री होने से पहले तेज बारिश हो रही है। तूफान कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास समंदर के तट से टकराएगा। हालांकि तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। इस बीच गुजरात समेत देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। गुजरात के द्वारका और कच्छ जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लैंडफॉल से पहले चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर में सबसे अधिक होगा। आईएमडी ने कहा कि कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर में 15 जून को अधिकतर इलाकों में छिटपुट जबकि निकटतम इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। 15 जून की सुबह के लिए आईएमडी ने 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बजाय 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की चेतावनी दी है। बुधवार शाम तक समुद्र की स्थिति भी बहुत खराब रहने की संभावना है। तूफान के असर को देखते हुए अब तक गुजरात के 8 जिलों में 37,794 लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में अलर्ट जारी है। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, गिर, सोमनाथ, द्वारका जिले के सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। इन जिलों के स्कूलों में 14 और 15 जून यानी 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। जामनगर में स्कूलों को शेल्टर होम बनाया गया है और कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। द्वारका में लगभग 4,500 लोगों को तटीय क्षेत्रों से विभिन्न शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में चक्रवात बिपरजॉय के तेज होने के चलते तटीय क्षेत्रों के निवासियों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई में भी चक्रवात को लेकर तैयारी की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने एहतियात के तौर पर शहर में 2 अतिरिक्त टीमें तैनात की है। एनडीआरएफ की टीमों को पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में अंधेरी और कांजुर मार्ग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में 67 ट्रेनें रद्द कर दी है। इस बीच तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्रों और रिएक्शनरी था। हम केवल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की ही चिंता करते थे। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक रूप से सामूहिक मेहनत और सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। वहीं केंद्र सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों को निगरानी के लिए अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर
गांधीनगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कल गुजरात और राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तैयारी और त्वरित बहाली व्यवस्था की समीक्षा की। तूफान बिपरजॉय को लेकर समीक्षा बैठक में अमित शाह ने बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की। इसमें फायर ब्रिगेड का आधुनिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर रोकथाम शामिल है। बिपरजॉय पिछले 25 साल में जून महीने में गुजरात के तट से टकराने वाला पहला तूफान होगा। इससे पहले 9 जून 1998 को एक तूफान गुजरात के तट से टकराया था। तब पोरबंदर के पास 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी। बीते 58 साल की बात करें तो 1965 से 2022 के बीच अरब सागर के ऊपर से 13 चक्रवात उठे। इनमें से 2 गुजरात के तट पर टकराए, 1 महाराष्ट्र, 1 पाकिस्तान, 3 ओमान यमन और 6 समुद्र के ऊपर कमजोर पड़ गए थे। अब एक बार फिर से हाहाकार मचाता हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर तबाही मचाने के लिए बढ़ रहा है, तो पूरे देश की नजर इस तूफान पर है। सरकार और प्रशासन पूरी क्षमता के साथ तैयार है, बस मनाइए कि ये तूफान बिना किसी खास तबाही के धीरे धीरे शांत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो विकराल हो रहा है ये तूफान और इसके लिए कितने हैं तैयार, हम इसी को लेकर करेंगे मुद्दा में आज चर्चा। 3 खास मेहमान इस वक्त पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह राठौर, मौसम वैज्ञानिक, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ ओपी सिंह, DG NDRF जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मधु भट्ट जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मण जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कल गुजरात के तट से टकरा सकता है, कहा जा रहा है कि ये काफी खतरनाक तूफान है, ये तूफान किस तरह से जनजीवन को प्रभावित कर सकता है और कितनी गंभीर चुनौती है? देखिए, किसी भी चक्रवाती तूफान के 3 आयाम जो है वो आम जन को कष्ट देता है। पहला तो तेज हवाएं, दूसरा अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश होती है जिससे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और तीसरा जो समुद्र के बिल्कुल तटीय क्षेत्र है वहां लहरें ऊंची उठती है और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग सर्ज आता है, यानी पानी है जो तटीय क्षेत्रों के काफी अंदरूनी हिस्सों तक आ जाता है जी। और इन तीनों से बचाव करने के अलग अलग आयाम है। और जहां तक इस चक्रवात बिपरजॉय का प्रश्न, हवाओं की गति तो है 150-60-70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो कि काफी अधिक है, उससे काफी नुकसान हो सकता है, खासतौर से कच्चे मकानों में या जो ऐसे संरचना है जो कमजोर है जी। और हम ये भी देखते हैं आजकल जो मृत्यु होती है, बाकी तो प्रबंध NDRF बहुत अच्छा करता है, लेकिन ये जो फ्लाइंग डेब्रीज जो चीजें उड़ती है होती है उससे मौतें काफी होती है। दूसरा, जो तटीय क्षेत्र में इनंडेशन होता है उसकी भी चेतावनी दी जाती है कि कहां तक पानी आएगा, और NDRF के सहयोग और राज्य सरकारें मिलकर के और उस क्षेत्र को खाली करवा देती है और ऐसा कर दिया गया, तो इसलिए वहां पर उतनी चिंता की बात नहीं। तीसरा, जो अतिवृष्टि की बात है, सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश होने तो अच्छी बात है, हालांकि बहुत टेम्परेरी फेज में कुछ एक स्थानों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी, लेकिन मानसून के पूर्व में वहां पानी की बहुत आवश्यकता है। तो ये मैं किसी रूप में ये भी देख रहा हूँ कि राजस्थान और गुजरात में जो पानी बरसेगा इसके लिए बहुत लाभप्रद होगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं हो सकता है बारिश के प्रेक्षण। ठीक है सर, इस तूफान के 3 बिंदुओं पर आपने यहाँ प्रकाश डाला है। ओपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह जी, बिपरजॉय को लेकर किस तरह के आपदा की आशंका है और उसके प्रबंधन को लेकर सरकार ने किस तरह की तैयारियां की हैं? सर, आवाज मिल पा रही है आपको? ओपी सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
लगता है कोई तकनीकी समस्या है, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओपी सिंह जी से हम सवाल ये करेंगे, लेकिन मधु जी ये बताइए कि सरकार ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए हैं, लेकिन आपदा के दौरान तूफान के प्रभावों को कम किया जाए और लगातार लोगों को राहत उपलब्ध कराई जाए, इस दिशा में सरकार क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से, जब से ये पता चला है ये फिर जो ये तूफान बिल्कुल अरब सागर की ओर से तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है भारत की तरफ, और पूरे जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं अपने गुजरात से लगे हुए अपने पूरे भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनको भी देखते हुए संवेदनशील, बहुत ही संवेदनशील है। और क्योंकि पहले भी ये तूफान समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार इसकी जो तीव्रता है उसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं स्वयं, उनका क्षेत्र ये जो इस प्रकार से उन्होंने स्वयं इसकी गंभीरता को लेके इसमें पहले से ही जो हमारी पूरे मौसम विभाग के जो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया और साथ में वहाँ पे टीमें तैनात कर दी। इसकी आप गंभीरता को देख सकते हैं कि 17 टीमें हमारी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो पूरी टीमें लगा दी हैं पोरबंदर से लेकर आपके पूरे तटीय क्षेत्र में जहाँ पर इनकी बहुत ही गंभीरता से बहुत ही तेजी से आने की आशंका है, और वहाँ से लोगों को वहाँ पे सुरक्षित स्थानों पर हमने पहुँचा दिया है। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली है, क्योंकि देखिए अभी जो हमारी जो सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, साथ में उसकी बिल्कुल यही ऐसे समय में यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लक्ष्मण जी, इस महीने में हमने देखा है कि मॉनसून आता ही है, तूफान आने से क्या मॉनसून भी प्रभावित होगा और मैदानी इलाकों के मौसम पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? आमतौर पर जब इस ऋतु में तूफान आता है तो ये देखा गया कि समुद्र में बहुत उथल पुथल होती है, समुद्र ठंडा हो जाता है जी। और अगर अरब सागर ठंडा होता है तो क्योंकि अरब सागर से ही नम हवाएं भूभाग पर आती है, तो ऐसी अपेक्षा है कि पूर्वानुमान भी किसी प्रकार इंगित करते हैं कि तूफान गुजर जाने के पश्चात मॉनसून की गति थोड़ी धीमी होगी, खासतौर से मध्य भारत में और पेनिनसुलर क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। हाँ, उत्तर पूर्वी भारत और जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में लगातार बारिश रहेगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मॉनसून थोड़ा सुस्त जाए। मॉनसून थोड़ा सुस्त रहेगा। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस तूफान को लेकर पहले जो आशंका थी उसमें समय समय पर देखिए इस बार लगातार बदलाव भी हमें नजर आ रहा है, तूफान ने रास्ता भी बदला है, अभी जो उम्मीद की जा रही है क्या तूफान की स्थिति उससे अलग हो सकती है, और होगी तो इसके प्रभाव कितने गंभीर हो सकते हैं? देखिए ये बच्चा थोड़ा बदमाश है, कई दिनों से समुद्र में है, पिछले 10 दिनों से ये वहां घूम रहा है। आमतौर पर ये जो बेसिन अरब सागर वाला है बहुत बड़ा बेसिन नहीं है और 5-6 दिन में ये तट पर पहुंच जाता है, लेकिन अभी 10 दिन हो गए, अभी 1-2 दिन और वहां पर लेगा, और इसकी जो चलने की गति है वो भी बहुत नटखट है, कभी बाएं जाता है कभी दाएं जाता है और बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में उसको जो पूर्वानुमान करना बहुत कठिन कार्य है, और मैं मौसम विशेषज्ञों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ इस दौरान एनडीआरएफ के महानिदेशक ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बिपरजॉय को लेकर किस तरह की आपदा की आशंका है और उसके प्रबंधन को लेकर सरकार ने किस तरह की तैयारियां की हैं? देखिए मैं पूर्व डीजी हूँ एनडीआरएफ का जी, और इस प्रकार के साइक्लोन्स में बहुत सारी तैयारियां की गई हैं और पूरे भारत सरकार के स्तर पे और राज्य सरकारों के स्तर पे भी की गई हैं, और उसमें देखा गया है कि किस प्रकार हम मिनिमम कैजुअल्टी और जीरो कैजुअल्टी की ओर बढ़े, इसलिए उसकी जो गति है स्पीड जो है उसकी हवा की या जो बारिश हो रही है या फॉर दैट मैटर स्टॉर्म सर्ज जो हो रहा है 3 से 4 मीटर अबव द टाइड, इन सबों पे नजर रखी जा रही है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो मौसम विभाग है वो पूरी नजर रख रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो लैंडफॉल 15 तारीख को जब होगा तो हम लोग इससे पहले ही यद्यपि पोटेंशियल डैमेज होना शुरू हो गया है, 30,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, कई ट्रेनें रद्द की गई हैं,
और कम्युनिकेशन नेटवर्क पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी जो रेस्टोरेशन की बात है, जो पोस्ट डिजास्टर के तुरंत बाद हम क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएशन तो हमारा सबसे बड़ा चीज है और इवैक्यूएशन के बाद हम इमरजेंसी शेल्टर रखते हैं और उस इमरजेंसी शेल्टर के बाद हमने कई ऐसे इंतजाम किए हैं जिसमें कि खाने की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, जानवरों के रहने की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार कर रही है और सरकार क्षण क्षण जो है इन गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। और यही कारण है कि मछुआरों को भी निर्देशित किया गया है, उनको सलाह दी गई है कि आप कोस्टल एरियाज में नहीं जाएं। आपको मालूम होगा कि 8 ऐसे जिले हैं गुजरात के जो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित है और यही कारण है कि इस पोटेंशियल डैमेज को देखते हुए इस चक्रवात को वेरी सीवियरली सीवियर एक चक्रवात कहा गया है। जी। तो इस तरह से जो है इसको काफी सीरियसली देखा जा रहा है। बिल्कुल, मछुआरों को भी निर्देश दिए गए हैं, तटीय इलाके पर जो लोग पहुंचते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर सबको कहा गया है कि वहां पर कोई भी ना रहे। लेकिन पहले भी ओपी सिंह जी, भारत के तटों से कई तूफान टकराए हैं जिसके दौरान एनडीआरएफ ने सेवा की है, ये किस तरह से अलग है या अन्य तूफानों की तरह ही है? देखिए, हमारे देश में कई बार तूफान आई हैं, चक्रवात आए हैं। आपको याद होगा कि उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों में हमारी व्यवस्था जो है बहुत ही मजबूत हो गई है। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन की परिपक्वता की कमी नहीं है, हमारे पॉलिसीज की कमी नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है जिसके चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री होते हैं और स्टेट्स में भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। एक प्रीमियर फोर्स के रूप में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जिसकी टुकड़ियां समय समय पर वो करती है। हमने स्वयं साइक्लोन हुदहुद को डील किया था, उसके चैलेंजेस को देखा था और हमने देखा था कि किस तीव्रता के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ हमने उस साइक्लोन हुदहुद या फाइलन को वो किया था। तो साइक्लोन आते हैं, ये नेचुरल फेनोमेना है, ये नेचुरल डिजास्टर्स है, इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कितनी जल्दी से कितने तीव्रता से हम इस चीज को डील कर सकें और हम शून्य की तरफ ले जाएं, जो डैमेजेस हैं जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की उसको हम कितनी तीव्रता से उसकी शून्य की स्थिति में ले जाएं, वही हमारी खूबसूरती है। और यही कारण है कि भारत का जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस मैकेनिज्म है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे देशों ने भी हमारे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से सीखा है, स्टैंड अलोन फोर्स है और आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी स्टैंड बाई में रखा गया है, नेवी को स्टैंड बाई में रखा गया है, लेकिन हमारी 17 टुकड़ियां, 17 टीम्स जो एनडीआरएफ की हैं, जो जगह जगह पर लगी हुई हैं, वो एक प्री पोजिशन तरीके से और बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से उस पर कर रही है। हमारी टीम्स में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, हमारी टीम्स में डाइवर्स हैं, हमारी टीम्स में बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का एक अप्रोच है कि हम सभी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वहाँ के लोकल एसडीआरएफ से भी है, हमारा कोऑर्डिनेशन वहाँ के वॉलंटियर्स से भी है, हमारा कोऑर्डिनेशन वहाँ के लोकल अथॉरिटी से भी है। तो इस प्रकार एनडीआरएफ, बिल्कुल सही आपने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इससे डील किया जाए और आपने बताया कि कैसे इसको शून्य की तरफ ले जाया जाए, ये वाकई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मधु जी, क्या सरकार अपने एहतियातों में ऐसी स्थिति की कल्पना भी करके चल रही है कि तूफान की स्थिति बदल सकती है, उसके साथ ही चुनौतियां भी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी ओपी जी ने पूरी विस्तृत जानकारी दी, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस आपदा प्रबंधन की टीम जो हमारी पूरी टीम है उसको पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे अभी वैज्ञानिक युग है, पूरा जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम जो अधिक से जो हमारी जो क्षति हो, जो नुकसान हो वो कम हो, उसको रोका जा सके और जो हमारे जो लोग हैं उनको सुरक्षित भी रखा जा सके ताकि नुकसान भी कम हो और साथ में सुरक्षा भी रहे। उसको देखते हुए हमने सब अपनी टीमें तो हमारी तैयार है ही है, स्थान में सुरक्षित भी हम उनको पहुंचा ही रहे हैं और साथ में जो हमारी जो चक्रवात जो आ रहे हैं, ताकि जो इस बार का चक्रवात जिस प्रकार से उसको कहा जा रहा है कि ये विपर्जॉय जो ये चक्रवात है ये थोड़ा बहुत तीव्र गति से पिछले की अपेक्षा इस बार तेज गति से आ रहा है, इसको रोकने में धीमा करने में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितना सक्षम होती है इसका भी एक परीक्षण हो जाएगा। साथ में आने वाले समय में, क्योंकि हम और ज्यादा समय समय पर आते रहते हैं, प्रकृति का नियम है, इसको नेचुरल है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी जो इसको कम कैसे किया जा सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसमें भी हमारे
हम इसमें आगे जरूर कामयाब होंगे और निश्चित रूप से इसमें भी हम बिल्कुल सुरक्षित हमारे लोग रहेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि पूरी टीम वहाँ पर सजगता के साथ लगी हुई, किसी भी हर प्रकार की जो भी हमारे सामने जो समस्याएं आएंगी उसका समाधान करने के लिए हमारी पूरी टीम। सही बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि अचानक से आ गई, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिनका हमें पहले से ही पता चल जाता है, मौसम विभाग पहले ही हमें उनकी जानकारी देता है और ऐसे में हम अलर्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी, केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कल गुजरात और राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तैयारी और त्वरित बहाली व्यवस्था की समीक्षा की। तूफान बिपरजॉय को लेकर समीक्षा बैठक में अमित शाह ने बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ की 3 बड़ी स्कीमों की भी घोषणा की है। इसमें फायर ब्रिगेड का आधुनिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर रोकथाम भी शामिल है। तो जितनी तैयारियां सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को करनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि वो सारी तैयारियां सरकार कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई ऐसी चीज लगती हो कि अभी हाँ हमें ये करने की जरूरत है? देखिए, जो नुकसान होता है वो आधारभूत संरचना जितनी भी है उनको डैमेज अधिक होता है और उसमें चाहे वो पावर रिलेटेड है या टेलीकम्युनिकेशन संचार संबंधी स्ट्रक्चर है या रेल के स्ट्रक्चर है या तो हमारी जो प्रणाली है जिसमें कि हम इनको स्थापित करते हैं तब जो लोड फैक्टर रखा जाता है इस आपदा के संदर्भ में कि इतनी तीव्र गति वायु की जो है उसको सहन करने की क्षमता होनी ही चाहिए जी। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि सरकारें अब बहुत समझदार हो गई हैं। ये अभी दो बातें हैं कि एक तो जब चक्रवात आता है तब लड़ना ही है और दूसरा जो है उसको जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि किस प्रकार मिटिगेशन हो, किस प्रकार हम हमेशा के लिए आपदा प्रूफ हो जाए जी। उसकी तैयारी समग्र रूप से सरकारें करती, अच्छी बात है। और बावजूद इसके नुकसान तो अब आपदा है तो कुछ तो होता ही है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, आपदा है तो नुकसान होता है, लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहते हैं तो इस नुकसान को कम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।